खुला आजाद शेर। एक बार की बात है, शहर में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। गीती और विक्की अपने घर में बोर हो रहे थे। उनकी माँ ने घर में केक बनाए और बच्चों ने उनकी मदद की। केक बहुत स्वादिष्ट थे और बच्चों ने गरम गरम केक खा लिया। माँ ने कहा कि बचे हुए केक को ढक के अच्छे से फ्रिज में रख देना, ताकि कोई बिल्ली या चूहा उसे न खा जाए। पर विक्की और गीती ने माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया और बचे हुए केक को टेबल पर ही छोड़ दिया। दूसरी तरफ चिड़िया घर में रहने वाले जानवर परेशान हो रहे थे। शेर के पिंजरे के पास बनी खाई में पानी भर गया था। पानी को देखकर शेर को अच्छा लग रहा था और उसने दीवार पर पैर जमा कर अपने आप को बाहर निकाला। अब वह कहीं भी घूम सकता था। शेर मुख्य द्वार की ओर पहुंचा। उसने आराम से टिकट खिड़की पर झांका। वहां सुरक्षा कर्मी सो रहा था। वह आराम से उसके पास से निकला और फिर वह पहली बार अपनी जिंदगी में आजाद बाहर आया। वह बाजार में पहुंच गया। फिर वह आगे बढ़ा और उसे ताजे बने हुए केक की खुशबू आई। सूंघता हुआ वह गीती और विक्की के घर पहुंचा। उन दोनों के कमरे को खुला पाकर शेर अंदर घुस गया। उसकी खुशबू को सूंघता हुआ वह केक के पास पहुंचा और उसे खा गया। केक खाने के बाद वह सोने के लिए गया। शेर ने विक्की और गीती के पलंग के नीचे जगह बना ली और उसे वहां सोकर बहुत अच्छा लग रहा था। अगली सुबह जब माँ उठी तो उसे टेबल पर रखे केक नहीं मिले। उसने अपने बच्चों से केक के बारे में पूछा। गीती ने बोला, शायद शेर खा गया होगा, कल शेर हमारे पलंग के नीचे था। यह सुनकर माँ घबरा कर उनके कमरे में शेर को देखने गई, लेकिन उसे शेर कहीं नहीं मिला। उसने बच्चों से कहा, बच्चों तुमने मुझे डरा दिया है। बच्चों ने कहा, माँ वहाँ पर शेर था, देखो हमारे कमरे के कारपेट पर शेर के पैरों के निशान है, हमारा बेड भी गीला है और मेरे पलंग पर शेर के बाल हैं। माँ को उनकी बात पर विश्वास हो गया, लेकिन उन्हें शेर कहीं नहीं मिला। क्या आपको पता है शेर कहाँ चला गया था? कोई उसे देखकर घबरा न जाए, इसीलिए शेर अपने पिंजरे में वापस चला गया था। जल्द ही बारिश रुक गई। गीती और विक्की चिड़ियाघर गए। वह शेर के पिंजरे के बाहर खड़े थे। शेर ने उन दोनों को शुक्रिया करते हुए जोर की आवाज निकाली। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने माता पिता की बातों को सुनना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। यदि विक्की और गीती केक को फ्रिज में रख देते तो बचे हुए केक को शेर नहीं खा पाता। इसीलिए हमेशा अपने बड़ों की बात सुनो और परेशानी से बचो।